नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई अब हमने शुरुआत कर दिया है सरकार के निर्देशानुसार। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और मैं उन पालकों को भी अपील करता हूँ कि जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे तो कृपा करके आप अपने बच्चे की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुविचार से, एकता में बल होता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई काम हमें करना हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर 20 किलो या 100 किलो 50 किलो की कोई गोनी है, अगर मुझे उसे अकेले उठाना है तो शायद मैं उठाने में मुझे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उसी जगह पर अगर चार लोग आ गए मेरे जैसे तो शायद वो भार सब में बढ़ जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, कि कोई भी कार्य अगर हम एकतापूर्वक करते हैं तो उस काम में क्या होता है? बल होता है। इसी से सिद्ध होता है कि एकता में बल होता है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारे गणित विषय कक्षा चौथी का कौन सा पाठ है? भूमिति आकृतियां। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने अपने पहले भाग में पढ़ा था, ठीक है, कि कोण और कोण के प्रकार कितने हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा था? कोण, और कोण में भी हम समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। और आज का हमारा विषय है उसी के आगे वृत्त। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले बात की वृत्त बनता कैसे है। आप एक कटोरी ले लीजिए और एक सादे कागज के ऊपर आप इस प्रकार से रख करके, ठीक है, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक कटोरी के माध्यम से, मैंने यहाँ पे कटोरी नहीं लिया है, आप कटोरी लेकर के बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ऐसे अगर आप बनाओगे तो जो आकृति हमें प्राप्त होती है वो पूर्णतः गोल होती है, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया है। अब वृत्त ये जो आकार है आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे आप पहले ही आकार देख लीजिए, जैसे छोटी छोटी जो चूड़ियाँ होती है वो भी गोल गोल होती है, तो हम कहेंगे कौन से आकार का है? वृत्त के आकार का। आपने अपने साइकिल के पहिए को देखा होगा, पहिए बिल्कुल इस तरह से होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? पूर्णतः गोल, अर्थात हम इसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, और बैलगाड़ी का आपने पहिया देखा होगा, यहाँ नहीं तो आपने गाँव में देखा होगा, जो उसके चक्के होते हैं यानी पहिए होते हैं वो भी इस तरह से पूरे गोल होते हैं, अर्थात इस आकृति जो वृत्त मतलब गोलाकार होती है इस तरह से, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो वृत्त के संदर्भ में आप ऐसा एक पेपर काट लीजिए, अगर आप इस पेपर को काट करके, ठीक है, एकदम इस पेपर को जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है, आप इसको बिल्कुल इसको ऐसे चार भागों में एकदम मोड़ दीजिए, जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हो। पहले आप इसे आधा आधा मोड़ दीजिए और आधा मोड़ने के बाद इसको ऐसे घुमा के इसको चौथी तरफ से भी मोड़ दीजिए, यानी एक बार आप आधा आधा दोनों को ऐसे बराबर बराबर में आप इसमें एक के ऊपर एक पेपर को रखिए। पेपर काटने के बाद आप कृति कर सकते हो और उसके बाद से इस तरफ से मोड़ करके इसको इस तरफ से कर दीजिए। तो आपने जब इसको इस तरह से मोड़ा तो आप खोल के पेपर देखोगे तो आपका पेपर चार भाग में इस तरह से बढ़ जाएगा। तो जो बीचों बीच में जो हमें बिंदु प्राप्त होगा ना, जहाँ पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, तो जो बिंदु बीचों बीच में बनेगा हम उसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। अब आप क्या कर सकते हो, जो ये केंद्र है इसे हम केंद्र तो कहते हैं, लेकिन इस केंद्र के साथ ये जो वृत्त है, ये वृत्त की ये जो आपको सीमा दिखाई दे रही है प्यारे बच्चे, उसको हम परिधि कहते हैं, ठीक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में तो नहीं दिया गया। तो वृत्त के केंद्र, ये जो केंद्र है, और इस वृत्त पर स्थित कोई भी एक बिंदु ले लो, जैसे वृत्त का केंद्र मैं मान लेता हूँ क है, और इस वृत्त की परिधि पे कोई भी एक बिंदु म है, तो इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड होती है हम उसे त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्रिज्या। ठीक है, अब ये त्रिज्या देखिए, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है, अगर मैं इस केंद्र और इस बिंदु को मिला दूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा? त्रिज्या बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप केवल इतना समझिए कि वृत्त की परिधि पे स्थित कोई बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है हम उसे त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो है आपका मुद्दा दिया गया है जीवा। आप इसी में देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे आकृति बनाया है, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु है, ठीक है,
वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु है, अगर इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, ठीक है, तो जो रेखाखंड हमें प्राप्त होता है हम उसे जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वो जीवा केंद्र से नहीं होकर जाना चाहिए। मैं आगे बताता हूँ क्यों। तो आपको समझ में आया होगा कि वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होती है हम उसे जीवा कहते हैं। जैसे देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे दो बिंदु लिया गया र और स, और फिर दोनों को मिलाया गया, तो जो ये रेखा प्राप्त हुई ना र स, ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। इसके बाद आपको देखे रखा है प्यारे बच्चों व्यास। व्यास और जीवा में केवल एक ही फर्क है बच्चों, कि अगर हम वृत्त पे दो बिंदु ले लें और वो बिंदु वृत्त के केंद्र से होते हुए जाए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ र और यहाँ पे ले लेता हूँ ल, ये दो बिंदु मैंने लिया है, और जब मैं इसे मिलाता हूँ तो देखो ये बिल्कुल केंद्र से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक जीवा है, लेकिन खाली फर्क ये है कि केंद्र से होते हुए जा रहे हैं। तो वृत्त की वह जीवा या वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजरती है, ठीक है, उस रेखाखंड को हम व्यास कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपकी किताब में तो नहीं दिया गया, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि केंद्र से होते हुए जाती है। और ये भी देखो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड है, ठीक है। तो जीवा और व्यास में खाली फर्क इतना है कि जीवा वृत्त के केंद्र से नहीं जाती है और व्यास वृत्त के केंद्र से होते हुए जाती है। तो आपको चार चीज समझ में आया यहाँ पर। पहला, अगर ये कोई वृत्त है, ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त पर स्थित कोई बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा। और जो वृत्त के केंद्र से होते हुए जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपका केंद्र। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे बनाएंगे कैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक बनाना है वृत्त, तो वृत्त बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपकी जो कंपास बॉक्स आती है उसके अंदर एक राउंडर होता है, ठीक है, अर्थात हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं गोला प्रकार, जो बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है, वो छोटा होता है, धातु का बना होता है, स्टील का। यहाँ पे मैंने लकड़ी का लिया है क्योंकि बोर्ड के हिसाब से काफी बड़ा है। आप उसमें कोई भी माप का ले करके, अब जैसे यहाँ पे पेंसिल आप डालेंगे, मैंने चौक डाला है, उसे सादे कॉपी पे इस तरह से रख करके आप ऐसे बिना इस, देखिए ये आपका हिलना नहीं चाहिए, अगर ये हिलेगा तो आपका वृत्त नहीं बनेगा। मेरा यहाँ हिल सकता है क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है और ये ऊपर से जमीन पे, मतलब किसी आधार पे नहीं बेटा, ये फ्लैट है तो घूम सकता है। देखो मैं यहाँ पे रखते हुए मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप इसको ऐसे रख करके आप क्या करोगे, कहीं भी रख दीजिए, ये फिक्स, ये दूरी मतलब एकदम निश्चित होना चाहिए ऐसे। और आप अगर ऐसे गोल घुमाएंगे इस प्रकार से, तो जो आकृति आपको प्राप्त होगी वो पूर्णतः गोल होगी। हम इसे क्या कहेंगे? वृत्त। और इसे हम क्या कहते हैं? प्रकार, या प्रकार बोलते हैं। तो प्रकार की सहायता से आप क्या कर सकते हो? अपनी कॉपी पे इस प्रकार के वृत्त आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप आगे की कक्षाओं में भी इसी प्रकार से आप बनाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? और देखिए जहाँ पे आपका ये नोक आपने रखा था ना, जहाँ पे वो आपको बिंदु प्राप्त होगा, थोड़ा सा छीदा होगा कॉपी, वहाँ पे दबी हुई होगी, उसी भाग को हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। कुछ आपको प्रश्न करने के लिए दिया गया है, देखो तीर के द्वारा दिखाए, देखो तीर द्वारा दिया गया दिखाए गए रेखाखंड जीवा, व्यास या त्रिज्या में से क्या है, इसे नीचे वाले खाली चौखट में लिखो। जैसे आप पहले देखो, अभी मैंने आपको बताया ये जो पॉइंट होता है यानी बिंदु होता है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? जैसे जिसमें यहाँ पे मेरा गोला प्रकार का जहाँ पे नोक था, तो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे हमारा गोला प्रकार का नोक होता है हम उसे केंद्र कहते हैं। तो ये क्या होगा आपका? आपका होगा ये केंद्र। दूसरा देखिए,
इस आकृति में आप देख सकते हो वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाया गया है, लेकिन ये केंद्र से नहीं जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? जीवा। तीसरी आकृति में आप देख सकते हो वृत्त पे स्थित दो बिंदु है, लेकिन उसको मिलाने पर वो रेखा केंद्र से होते हुए जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? व्यास। ठीक है, दोनों में फर्क आपको समझ में आया होगा, ये केंद्र से नहीं जा रहा है तो जीवा हुआ, और ये वृत्त के केंद्र से होते हुए जा रहा है तो क्या है? व्यास। और यहाँ पे आप देख सकते हो वृत्त का केंद्र और वृत्त पे कोई स्थित बिंदु दोनों को मिलाया गया है, तो ऐसे रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार से आप एकदम साफ साफ पेंसिल प्रकार की सहायता से इसे बनाएंगे, और बना करके आप जैसा हमेशा आने वाले शुक्रवार को अपने जो व्यक्तिगत ग्रुप बनाया गया कक्षा चौथी का व्हाट्सएप पे, उस पर आप इसे बना करके उसकी फोटो खींच करके आप भेजोगे। ठीक है, तो इसके आगे का जो पाठ्यक्रम है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।